ये कंवरपाल जी बताएं, बीजेपी ने यमुनानगर की इतनी दुर्दशा क्यों की 10 साल में? आज यमुनानगर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज यमुनानगर में 10 साल से कोई एक इंडस्ट्री नहीं आई। प्लाईवुड की इंडस्ट्री ठप हो गई। जवाब दें इस बात का, अगर नहीं हुई तो बताएं कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल हो रही है। पेपर मिल बंद होगी, इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी इस बात का जवाब दें, सिविल अस्पताल में कुछ इन्होंने बढ़ोतरी करी थी, आज सिविल अस्पताल में 100 डॉक्टरों के पद खाली हैं, 197 डॉक्टरों की पोस्ट है, केवल 95 डॉक्टर काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर भी नहीं है, इस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी जवाब दें, जो सिविल अस्पताल में इन्हीं की सरकार में जो नया सेक्शन बना था वो टूट गया है, रोज टाइलें गिर रही हैं। कंवरपाल जी उस बात का जवाब दें। कंवरपाल जी जवाब दें कि खनन माफिया ये भ्रष्टाचार में जो है यमुनानगर का नाम और खनन माफिया का नाम पूरे देश में इतना बहुचर्चित क्यों हो गया? कौन है वो खनन माफिया के, कौन लोग हैं जो खनन माफिया का संरक्षण कर रहे हैं, उनके सरगना कौन लोग हैं? आज वो इस बात का जवाब दें कि 10 साल पहले ये कहा गया था कि जो थर्मल कारखाना हमने बनवाया यमुनानगर में उसमें कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, अब 10 साल पूरे हो गए, कौन सी कैपेसिटी बढ़ाई, इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब दें कि इन्होंने जो कहा था कि जो हमारे समय जो रेल की लाइन हमने सैद्धांतिक मंजूरी दिलवाई थी, जो यमुनानगर से जो चंडीगढ़ की तरफ रेल की लाइन हमने सैद्धांतिक मंजूरी दिलाई थी, 10 साल में उस रेल की लाइन का क्या कौन सी बुलेट ट्रेन चल रही है उस पर, क्योंकि बुलेट ट्रेन का वायदा था इनका। और दूसरी इन्होंने कहा था कि यमुनानगर से हसन एक और रेल की लाइन इन्होंने कहा था यमुनानगर से, वो इन्हीं का था, वो तो सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय में रेल मंत्रालय ने ऐसे हमने दिलवाई थी यमुनानगर से ऊपर पिंजौर होते, मगर इनके समय जो इन्होंने यमुनानगर से असंध की एक रेल की लाइन भी गई थी, करनाल डिस्ट्रिक्ट तो मुख्यमंत्री का डिस्ट्रिक्ट रहा है और आज भी है, उस रेल की लाइन का क्या हुआ? इन दो रेल की लाइनों पे शायद बुलेट ट्रेन चल रहा होगा, बुलेट ट्रेन तो चल नहीं रही, कोई रेल की लाइन तो चली नहीं, रेल तो चली नहीं यमुनानगर में, लेकिन खनन माफिया जरूर चल रहा है। ये तो केवल यमुनानगर के प्रश्न है, ये जो बाकी जो प्रश्न है वो बताएं, ये बताएं नगर निगम, यमुनानगर नगम निगम भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों बना, ये बताएं कि प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल, फैमिली आईडी पहचान पत्र, ये जो पोर्टी पोर्टल और ये जो आइडिया हैं, ये पोर्टल और आइडिया जब ये गुजरात में नहीं, इनने तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात की भाजपा सरकार ने इनको लागू नहीं किया तो ये यहाँ हरियाणा में क्यों लेके आए? नगम को भ्रष्टाचार का केंद्र बनवा दिया, आज आम आदमी को धक्के खिलवा दिए इन्होंने, गरीब आदमी को तो उनकी सहूलियतें उनके घर पे जाके पहुंचा के देनी चाहिए सरकार, गरीब आदमी अपना काम काज संभालेगा या कागज ठीक कराने के लिए लाइनों में खड़ा होगा? ये बताएं, ये भी बताएं कंवरपाल जी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जो जवाब भारत सरकार ने फरवरी सत्र में संसद में दिया मेरे प्रश्न में कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई, इस बात का बताएं। वो इस बात का भी जवाब दें कि सबसे ज्यादा नशा पंजाब से ज्यादा नशे में हरियाणा आगे क्यों बढ़ा, इस बात का भी जवाब दें आज कोई बात तो, या ये बताएं सबसे ज्यादा देश में पलायन, एक एक गांव खाली हो गए, नौजवान बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए घर बार बेचकर कोई हरियाणा में, इस बात का जवाब दें। पक्की नौकरी सारी खत्म कर दी हरियाणा में, सारी पक्की नौकरी समाप्त, 5 साल में केवल 10,000 भर्ती हुई है, सीटी में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया, पेपर लीक में उलझा दिया, घोटालों में उलझा दिया। ये कंवरपाल जी ये सारे सवालों का, और काम इन्होंने नया तो कुछ किया नहीं, हमारे पुराने कामों को इन्होंने, हाँ इन्होंने काम किए हैं भ्रष्टाचार के काम किए, पुराने हमारे द्वारा मंजूर शुदा कामों को कैंसिल कराने का काम जरूर किया, जैसे दादूपुर नलवी नहर को कैंसिल करने का काम किया, नया तो काम किया नहीं, कोई इन्होंने नई नहर बनाई हो बता दें उस बात का। तो ये मैं समझता हरियाणा की जनता जान चुकी है। और ये तो ये भी है कंवरपाल जी, तो ये भी बताएं कि ये तो शिक्षा मंत्री थे, देश में काला अध्याय लिखा गया, 500 स्कूलों में स्कूली बच्चों को धरना देना पड़ गया, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नर्सरी केजी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, मर्ज कर दिए, 500 स्कूलों में धरने चले हरियाणा में, स्कूली बच्चों को धरना देना, सुना हरियाणा देश में किसी कोने में धरने देने पड़े हों, स्कूली बच्चों को धरने देने पड़े, स्कूली बच्चों से लेकर हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे जाके धरना पे देना पड़ा, ऐसी सरकार किसानों से लेकर कर्मचारी और सरपंचों को धरना देना पड़े। तो कंवरपाल जी सारे सवालों का जवाब बताएं।